युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 19 दिसंबर 2019 दिन गुरुवार, पौष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि शाम 9:23 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:38 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 1:34 से लेकर दोपहर 2:51 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि का आज का राशिफल। आज सीमित साधक भी आपके आत्मबल को कमजोर नहीं कर पाएंगे और आप प्रगति के पथ पर अपना विजय रथ चलाते चले जाएंगे, परंतु आज आपका क्रोध चरम सीमा तक पहुंच सकता है, जिस कारण आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी झगड़ा हो सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज आपके पिताजी को अपने बिजनेस में भारी लॉस भी हो सकते हैं। आज आपको अपने नाना जी की तरफ से भी कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज अपने इंटरव्यू में अपने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप जल्द से जल्द अपने सपनों का मकान खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप शनि देव को प्रसन्न करके शनि 7:30 में होने वाले कष्टों से निजात पा सकते हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी को शनि 7:30 के दौरान
अंधे व लंगड़े व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। भूल कर भी आप किसी कुत्ते को हानि पहुंचाने का प्रयास न करें। साथ ही साथ इस उपाय को कुछ दिनों पश्चात अपने सनी साढ़े साथी के दौरान करते हैं। आप नारियल के खोपड़े में तिल और बूरा और चीनी डालकर उसे ढक दें और उसके बाद उसे जमीन में दबा दें। यह उपाय यदि आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि साढ़े सप्ती के दौरान शनि देव आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था, बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत मंदिर के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाक पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।